रणबीर कपूर जल्द ही अपनी अपकमिंग मूवी रामायण लेकर आने वाले हैं। इसी के चलते इन दिनों वो अपनी एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए। इसके साथ ही उन्होंने भगवान के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की। रामायण मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उन्होंने बताया कि वह अगर भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है। रणबीर कपूर ने निखिल कामत के साथ उनके पॉडकास्ट में बात करते हुए शेयर किया कि उनके पिता ऋषि कपूर भी बहुत धार्मिक थे, वहीं उनकी मां नीतू कपूर थोड़ी कम धार्मिक हैं। हमने उनके बच्चे होने के नाते उनको देखा है, जैसे कि होता है ना कि माता पिता को देखकर ही बच्चे उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी भगवान के बारे में अच्छी भावना है। मुझको बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि मेरी अभिव्यक्ति शक्ति बहुत मजबूत है। मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ तो मुझे वो बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने उनसे मांगना बंद कर दिया। इसके आगे बात करते हुए रणबीर ने कहा कि वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म में विश्वास करना शुरू कर दिया है और इस बारे में बहुत गहराई से जाना है कि ये क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।